आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा, मैंने जस्ट फेस वॉश किया है, उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा अपने फेस पे, बिकॉज मैं चाहती हूँ मैं सब कुछ आप लोगों के सामने करूँ ताकि आप लोग देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करना गाइज। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे मिरर लगा रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने यहाँ पे मिरर रख रखा है अपना ताकि मैं इसको देख के मेकअप कर लूँ ईजीली। सो हम स्टार्ट करते हैं मॉइस्चराइजर से, तो क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है मुझे पहले मॉइस्चराइजर करना पड़ता है, स्किन को प्रेप करने के लिए मैं पहले मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, तो मैं यही पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, दिस वन। तो मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ इसको, मैं थोड़ा सा ही लेती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ही लिया है, आप देख सकते हैं इतना सा मैंने लिया है, और हम इसे अच्छे से मसाज करेंगे और हम अपने फेस पे से अप्लाई कर लेंगे। इसका कोई भी टिंट नहीं होता है, ये बस हमारे लिप्स को काफी स्मूथ बना देती है ताकि मैं लिपस्टिक जब अप्लाई करूंगी तो वो इजीली स्मूथली हमारे लिप्स पे लग जाए, तो मैं ये अप्लाई करूंगी अपने लिप्स पे। अप्लाई कर लिया है, सो हम स्टार्ट करेंगे प्राइमर से। तो मैंने ज़्यादातर वही कोशिश की है जो मैंने बिगनर्स मेकअप किट बनाया था, जो आप लोगों ने मैंने पहले डाली थी वीडियो, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी। तो मैंने वही प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहा है इसमें ज़्यादातर, कि मैं वही प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ ताकि आपको भी ईजी हो जाए। सो फर्स्ट मैंने वही प्राइमर लिया, इनसाइड 3-in-1 प्राइमर, तो हम ये प्राइमर यूज़ करेंगे, ऑयल फ्री प्राइमर है ये, प्राइम्स प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइज करता है स्किन को, बट मेरी ड्राई स्किन है इसलिए मैंने पहले से ही मॉइस्चराइजर लगा लिया था थोड़ा सा, तो मैं प्राइमर लगा लूँगी, इसको भी मैं वैसे ही लगाऊंगी जैसे मैंने मॉइस्चराइजर लगाया था, तो मैं लगा लूँगी। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप इजीली वहाँ देख सकते हो, और अभी नायका पे और पर्पल पे सेल भी चल रही है, इंडिपेंडेंट सेल, तो आप चेक करना जो भी प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, काफ़ी अच्छा टाइम है और आपको काफ़ी अच्छी रेंज में मिल जाएंगे। तो मैंने प्राइमर लगा लिया, मैं आईज पे भी लगा लेती बिकॉज मैंने अभी बिल्कुल डिफरेंट आई प्राइमर नहीं लिया है, मैं फेस प्राइमर ही यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने लगा लिया है इसे अच्छे से। नाउ हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन, सुलीन फिट मी फाउंडेशन दिस वन, और मैंने एक आपको ब्यूटी क्रीम बताई थी लोटस की, एक्सप्रेस ग्लो 3-in-1 ब्यूटी क्रीम, तो हम ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप बीबी क्रीम्स, ब्यूटी क्रीम्स सब यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अगर अभी अच्छे से लुक करना चाहती हूँ तो मैं अभी मेबलिन का फाउंडेशन यूज़ करूँगी, तो ऐसे पंप में आता है तो मैं इसे यहाँ पे लूँगी। तो मैं ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ, मैं वैसे भी बहुत ही रेयरली मेकअप करती हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, तो मैं थोड़ा ही लूँगी इसे। और फाउंडेशन अगर आप फेस पे लगा रहे हो तो आप उसे नेक पे भी लगाओ ना, यहाँ और यहाँ का आपका कलर डिफरेंस दिखेगा, तो हम इसे लगाएंगे अच्छे से। आपकी मर्जी, आप किससे ब्लेंड करना चाहते हैं, आप ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं, और ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं आप उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं। सो ये ब्यूटी ब्लेंडर मैंने मिनीसो से लिया था, इतने क्यूट से स्मेल से आता है ताकि आप अलग से इसे रख सकते हैं,
तो मैं इससे ब्लेंड करूंगी, तो मैं इसे ब्लेंड करूंगी, मैं अच्छे से इसे डैब डैब करके ब्लेंड करूंगी। आप इसको ऐसे रब मत करना, आप इसको ऐसे 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 डैब करना अपनी स्किन पे, ताकि जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो मैं कर लूंगी, जितना ज़्यादा टाइम आप ब्लेंडिंग को दोगे उतना आपका मेकअप बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करना। और अभी आप बिगिनर है तो आप ब्लेंडर से ही ट्राई करना, वैसे आप हैंड से भी कर सकते हैं, हैंड से भी काफ़ी अच्छा मेकअप हमारा ब्लेंड होता है, तो आप हैंड से भी कर सकते हैं। नाउ नेक को ब्लेंड करेंगे अच्छे से। मैंने ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। मेकअप का ये ट्रिक है, यूज ब्लेंड। नाउ हम यूज करेंगे कंसीलर अपने अंडर आईज के लिए। सो मैं यूज करूंगी मेबलिन फिट मी कंसीलर, दिस वन, ये ऐसा आता है। सो मैं यूज करूंगी, मेरा शेड है 10 लाइट। आप अपने शेड के स्किन टोन के हिसाब से ही यूज करना। तो मैंने 10 लाइट लिया है, तो हम इसे अंडर आई पे लगा के ऐसे वी शेप बना देंगे। ऐसा वी मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ बट मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे करके हम ऐसा वी शेप बना देंगे, आप भी और यहाँ पे भी लाइक दिस, आप देख सकते हैं ऐसे हम वी शेप बना देंगे। थोड़ा सा मैं इसे भी हम ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। सो ये मैंने ऐसे छोटा ब्यूटी ब्लेंडर्स भी आते हैं, ऐसे छोटे वाले अलग अलग शेप में आते हैं, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये भी मैंने लिए थे, और मैं ब्यूटी ब्लेंडर्स और ब्रशेस पे भी वीडियो बनाऊंगी, तो आप देख लेना कि मैंने कहाँ कहाँ से ब्यूटी ब्लेंडर्स लिए हैं। वैसे मैं इन सब के भी लिंक्स प्रोवाइड होंगे तो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने कंसीलर को। ये वीडियो मैं सेकेंड टाइम शूट कर रही हूँ गाइस, मैंने इसे शूट किया और फिर मैंने कैमरा देखा, वो शूट ही नहीं हुई थी, मैंने वापस से इसे शूट किया। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आपने किया नहीं है, और वीडियो को लाइक करना। तो मैं इसे अच्छे से कर लूँगी ब्लेंड, जहाँ से हमें लग रहा थोड़ा अच्छे से ब्लेंड होगा कर लेंगे, आप देख सकते हैं। तो हम ब्लेंड कर लेंगे, अभी थोड़ा वाइट लग रहा है बट ये टाइम के हिसाब से अच्छे से कलर में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो थोड़ा टाइम में अच्छा डिसेंट लुक देना लग जाएगा। तो हमने ये कर लिया, अब हम करेंगे इसको जो भी हमने यूज़ किया है उसको हम पैक करेंगे। पैक करने के लिए आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और आप लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको कॉम्पैक्ट पाउडर से ही बताऊंगी, बिकॉज आप बिगनर है तो हम लूज पाउडर नहीं लेंगे, हम कॉम्पैक्ट पाउडर लेंगे। उसके लिए मैं लूँगी मेबलिन का कॉम्पैक्ट, ये थोड़ा पुराना हो गया इसलिए यहाँ से हट गया, तो मैं मेबलिन वाइट सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी। काफ़ी सही रेंज में ये 120 तक का आपको पड़ जाता है, और ये काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है। ये भी आप अपने शेड के अकॉर्डिंग लेना है। इसमें सबसे अच्छी बात है मिरर आता है, इसका अलग से ब्लेंड करने के लिए स्पंज आता है, और कॉम्पैक्ट तो आता ही है। तो मैं इसे उससे नहीं करके ब्रश से करूँगी, तो मैं इसे अच्छे से कर लूँगी मैं अपने हेयर्स। तो हम इसे पैक कर लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, हम थोड़ा बहुत ही लेके एक्सेस जो उसको ऐसे करके पैक कर देंगे एक्सेस प्रोडक्ट को, और हम अब पैक कर लेंगे इसे। नेक्स्ट जो हमने लगाया था तो नेक वाला एरिया भी पैक कर लेंगे, तो मैंने कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो मैंने ये यूज़ कर लिया है, मैं ये वाला जो कंसीलर के लिए ब्रश आता उससे अपने अंडर आईज पे भी इसे करूँगी, बिकॉज मैंने कंसीलर लगाया था। तो मैं इसे और फिर हम थोड़ी देर बाद ब्लेंड करेंगे, क्योंकि वो भी अच्छे से सेट हो जाएगा हमारा कंसीलर जो हमने लगाया था। तो मैं अच्छे से इसे ब्लेंड थोड़ी देर बाद करूँगी। तो ये हमारा हो गया है, उसके बाद हम करेंगे यूज़ हम करेंगे कॉन्टोर। नाउ कॉन्टोर के लिए मैं यूज़ करूँगी कॉन्टोर डी फोर्स पैलेट, शुगर का पैलेट है ये, 01 में आता है ये। मैं आपको नीचे नेम्स प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपको दिखने, बिकॉज मैं फ्रंट कैमरा से शूट करती हूँ, मेरे पास अभी कैमरा नहीं है शूट करने के लिए, तो मैं मोबाइल से ही शूट करती हूँ। तो इसमें ऐसे आता है,
तो इसमें हमारा कॉन्टोर पाउडर आता है, हाईलाइटर पाउडर आता है और ब्लश पाउडर आता है। तो हम ये काफ़ी अच्छा है, इनकी प्राइजेज इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मैं ये यूज़ करूँगी अभी कॉन्टोरिंग के लिए। सो कॉन्टोरिंग के लिए मैं ब्रश से यूज़ करूँगी, तो हम ऐसा एंगुलर ब्रश आता है वो कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक ही ब्रश है तो कोई बात नहीं। जैसे आपके पास ये फ्लफी ब्रश है, आप इसको ऐसे थोड़ा पिंच करेंगे ऐसे और इसको यूज़ कर लेंगे। तो ऐसा कोई बिग डील नहीं कि आपको बहुत सारे ब्रश लेने पड़ेंगे, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करूँगी। सो हम इसे करने के लिए जो हमारा ईयर का ये पार्ट होता है और जो हमारे आईज का यहाँ वाला पार्ट होता है, जो जहाँ आईज खत्म होती है वहाँ से यहाँ तक, सो हम इस लाइन से इस लाइन तक इसे यूज़ करेंगे हमारे चीक बोन पे, चीक बोन के जस्ट नीचे। तो हम यहाँ से इसे अप्लाई करेंगे और यहाँ से ड्रॉप करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, मैंने ये लिया, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने ये यूज़ किया, तो मैं थोड़ा उसको एंगुलर वे में इसको थोड़ा ब्लेंड कर देती हूँ ताकि हार्श लाइन नहीं दिखे हमने यूज़ किया है ये। तो मैं इसे डैप करूँगी, इसमें एक्सेस में निकाल दूंगी, हमेशा एक्सेस निकाल देनी चाहिए। मैं इसको भी पिंच करती हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा बाल मेरे ओके ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक लाइन बन गई है, ये वाली लाइन। अब इसको मैं सर्कुलर डायरेक्शन में से ब्लेंड करूंगी तभी ये लाइक दिस। तो ये बिल्कुल लाइन बहुत ही अच्छा, ये देखो आप देख सकते हैं जो हमारा कट आया है बहुत ही अच्छा आता है और नेचुरल लगता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं लगता कि हाँ। तो हम सेम इधर भी कर लेंगे और फिर हम इधर कर लेंगे, तो मैं फटाफट से इधर कर लेती हूँ। अब मैं हमारे ये जॉ लाइन के लिए करूँगी, तो मैं सिर्फ ये अपने जॉ लाइन जो ये होती है उस पर अप्लाई करूँगी। तो उस पर मैं ऐसे अप्लाई करके उसको नीचे की तरफ ब्लेंड करूँगी ताकि जॉ लाइन आपकी बहुत अच्छे से दिखेगी। तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, ये मैंने लिया, डैप डैप एक्सेस हटाया और जॉ लाइन। ये जो हमारी चिन होती है, अगर आपकी डबल चिन है तो ये जो हमारा पार्ट होता है, आप थोड़ा सा अपना पाउडर लें, एक्सेस हटाए, थोड़ा सा इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ब्लेंड करना लाइक दिस, तो काफी ज्यादा हेल्प मिलती है हमारे जॉ लाइन शो होने में। मैंने ये यूज कर लिया है ऐसे, आप देख सकते हैं लुक थोड़ा हमारा अच्छा सा आ रहा है। मैंने थोड़ा कम ही यूज़ किया है, एक्स्ट्रा नहीं किया, बिकॉज अभी हम बिगनर्स मेकअप लुक कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा प्रोडक्ट भी थोड़ी कम यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ये यूज़ किया है, उसके बाद हम करेंगे अब ब्लश। तो ये वाला ब्लश भी यूज़ कर सकती हूँ, बट मुझे अभी ये नहीं करना है, तो मैं ये नहीं यूज़ करके मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बा का ये वाला ब्लश, रोजी पीची शेड है इसका 013। तो ये वाला ब्रश मैं यूज़ करूँगी, काफ़ी अच्छा काफ़ी पिगमेंटेड ब्लश है। मैं आपको दिखाती हूँ ये इसका पिगमेंट, देखिए बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड ब्लश है और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगता है ये यूज़ करने में। सो मैं ये वाला फ्लफी सा, कोई भी आप फ्लफी सा ब्रश ले लेना, तो मैं ये यूज़ करूँगी, तो हम इसको यूज़ करेंगे। चीज़ें गिरती ही रहती है, हम इसका एक्सेस निकाल देंगे, थोड़ी सी स्माइल करेंगे। इतना प्यारा पिगमेंट देता है। और आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे हमने ये यूज कर लिया, अब हमने ये जो लाइन यहाँ बनाई थी, तो हम उसको क्या करेंगे, इसके साथ ही ब्लेंड कर देंगे, ताकि वो जो ऐसे लाइन आपकी दिखे ना, और थोड़ा स्क्रीन पर थोड़ा ज़्यादा ही ये पिंक दिख रहा है, बट इधर तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही नेचुरल लग रहा है। तो वो थोड़ी देर में हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज ये लाइट आ रही है फेस पे, तो उस वजह से लग रहा है, बट ठीक है। तो हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, हम चलते हैं आईज पे।
आईज के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे आई शेडो। अब हम बिगनर्स मेकअप लुक कर रहे हैं इसलिए हम बहुत ज्यादा ट्रिकी आई शेडोज यूज नहीं करेंगे, मतलब दो तीन कलर्स उसमें मर्ज करके नहीं करेंगे। सो मैंने उसके लिए पैलेट लिया है, ये स्विस ब्यूटी अल्टीमेट शेडो पैलेट। आप इसके कलर्स देख सकते हैं और यही सब मैंने बिगनर्स मेकअप किट में आपको दिखाया था, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं वो वीडियो। सो इसमें ऐसे शेड्स आते हैं, 06 शेड का पैलेट का शेड है 06। तो ये बिगनर्स के लिए काफी अच्छा पैलेट है, अगर आप सर्च कर रहे हैं कम रेंज में अच्छा पैलेट तो आप ये जरूर ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं यूज करूंगी ये ऐसा आई शेडो के लिए सब ब्रश, तो मैं ये कलर यूज करूंगी, ये वाला जो एकदम क्रीम सा कलर है, काफी नेचुरल लुक देता है ये अपनी आई शेडो पे। अब आपको कैसे दिखाऊं मैं ये, तो मैं इसको ब्रश में ऐसे लूंगी, इसमें डैब डैब, और ये आ गया है। और इसको सबसे पहले हम अपने आईलिड्स, अब हम पूरा ऐसे क्रीज को अलग आईलिड्स को अलग नहीं करेंगे, तो पहले मैं अपनी इसको आईलिड्स पे ऐसे प्रोडक्ट को रख देंगे ताकि इस पे आ जाए ऐसे, और फिर हम उसे ब्लेंड करेंगे ऐसे। ये सी जो हम बनाते हैं ना सी, उसमें हम ब्लेंड करेंगे सी में, तब यहाँ से बनाएंगे सी हम क्रीज एरिया पे आईलिड्स पे अच्छे से बना देंगे। बहुत ही प्यारा लगा ये, आपको दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे। फिर हम सेकंड आईज पे यही यूज करेंगे, मैंने सबसे ज्यादा इस पैलेट का यही कलर यूज किया, बिकॉज ये काफी नेचुरल लुक देता है। मैं वैसे ये सब बहुत कम यूज करती हूँ, तो मैं जो यूज करती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ, मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगी कि मैं नॉर्मल रेडी जब होती हूँ तो मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज करके जाती हूँ बाहर, अगर मुझे कहीं जाना होता है या कोई पार्टी में जाना होता है तब भी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने ये, अब हमने ये प्रोडक्ट यूज कर लिया, आपको दिख रहा होगा, तो मैंने ये प्रोडक्ट यूज कर लिया, इतना नेचुरल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये, तो मैंने ये यूज कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, तो ब्लेंड करने के लिए मैं ये वाला मिरर यूज कर रही हूँ, मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी। तो मैंने ये ब्लेंड कर दिया है अच्छे से, तो अब मैं लगाऊंगी आई लाइनर। आई लाइनर के लिए मैं यूज करूंगी फैशन कलर का ये पेन लाइनर। ये लाइनर मैंने लिया था नॉर्मल किसी स्टोर से और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने एक साथ ये लेने के बाद, ये यूज़ करने के बाद दो एक साथ ही ले लिए थे, बिकॉज मुझे लैक्मे वगैरह से अच्छा लगा। तो ये ऐसा आता है, इसका पेन ऐसे पेन में आता है, तो मैं इसे लगा लूँगी लाइनर को, यस मैंने लगा लिया है। बहुत ही ज्यादा ये थोड़ा लाइटनिंग आ रही है, तो आप लोगों को अच्छे से देख नहीं रहा, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप अपने आप ये प्रोडक्ट्स, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं आप करके देखना, आपको भी बहुत अच्छा लुक देगा। तो अब हम यूज करेंगे मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं यूज करूंगी मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा। मैं जब से मेकअप करना मुझे बहुत पसंद है, मैंने ये लिया था और तब से मैं अभी तक स्विच नहीं कर पाई हूँ, मैं यही मस्कारा यूज कर रही हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है, तो मैं यही यूज करूंगी। तो इसको हम पहले इसका ना ऐसे करके इसका एक्सेस निकाल लेंगे, वरना फिर वो हमारे लैशेस पे लग जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो हम इसको, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके और अप्लाई करती हूँ थोड़ा ऊपर की तरफ, काजल। काजल के लिए मैं लूंगी मेबलिन न्यूयॉर्क कॉलोसल काजल, ऐसा पेन काजल आता है येलो कलर का, वाटरप्रूफ काजल है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं काजल अपने लगा लूंगी नॉर्मल। हम जब आईज क्लोज करके काजल लगाते हैं तो वो अपवर्ड वाले में भी लग जाता है, तो उससे हमारी आईज थोड़ी बिग लगती है, तो आप वो भी ट्राई करके देखना एक बार। तो मैंने काजल लगा लिया है, सो
ऑलमोस्ट हमारा हो गया है मेकअप। अब हम करेंगे एक अच्छा सा स्टेप है जो ये मैं हाइलाइटर यूज करने वाली हूँ। सो मैं इसका भी हाइलाइटर यूज कर सकती हूँ बट मैं इसका नहीं करके अभी ये वाला हाइलाइटर यूज करूंगी जो मैंने मेकअप बिगनर्स किट में दिखाया था, मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर दिस वन। हाँ तो हम यूज करेंगे हाइलाइटर। मेरा जो ब्रश नीचे गिर गया था उससे तो मैंने उठा लिया। ये वाला जो ब्रश होता है, वैसे तो हम फैन ब्रश यूज़ करते हैं बट मैं इसी से कर रही हूँ, मैं एकदम मिनिमल चीज़ें लेके चल रही हूँ। तो हम इसका टॉप लगाएंगे, इस पर एक्सेस हटा देंगे। जो हमारा जब हमारे फेस पे लाइट पड़ती है और जो जो एरिया पे लाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, उस पर हम हाईलाइटर लगाते हैं। तो मैंने यहाँ लगा दिया थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा, लिपस्टिक इधर और इधर इधर। या अब लास्ट हम लगाएंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए हम यूजिंग लिपस्टिक का मेबलिन लिपस्टिक्स इन द शेड सोहो न्यूड 04। मैं ये वाली लिपस्टिक यूज करूंगी, काफी बेसिक कलर है इसलिए काफी अच्छा लगेगा और सब कुछ पिंक पीच लुक दे रहा है तो हम वही यूज करेंगे। हमेशा जब लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ ना तो मैं यहाँ से जो ऐसे कट होता है ना उसको एक बार ऐसे कर लेते तो शेड काफी अच्छा आता है लिप्स का। मैं एक बार करूंगी ये वाला तो मैं कर लेती हूँ। तो ये हो गया है ऑलमोस्ट, बट हम एक लास्ट चीज करेंगे जो कि है हमारा जो इनर कॉर्नर होता है यहाँ पे हम हाइलाइटर थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, उससे काफ़ी फर्क लगता है हमारे मेकअप पे, हमारी आईज काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। तो हमको क्या करना है, तो छोटा सा जो ब्रश आता है हमारे आई शेडो ब्रश के लिए, उसमें जो सबसे वो आता है वो लेंगे थोड़ा सा और जस्ट यहाँ पे हाइलाइटर पुट कर देंगे इधर। अगर आपको कैमरा में अच्छे से मेकअप नहीं दिखाऊंगा ना तो मैं फोटो भी डाल दूंगी इसके बाद, तो आप देख लेना। चीज मैं भूल गई, आईब्रोज। वैसे तो मैं सच बताऊं मैं अपनी आईब्रोज बिल्कुल नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे मेरी नेचुरल ब्रोज ही बहुत सही लगती है तो मैं यूज नहीं करती हूँ। बट फिर भी मैंने ऑप्शन के लिए रखी थी आईब्रो पेंसिल, बेला वोगी की आईब्रो पेंसिल। ये मैंने ब्राउन शेड में ली है। तो इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ से ऐसे रोल करते हैं तो हमारी आईब्रो पेंसिल बाहर आती है और पीछे से स्पूली। सो मैं थोड़ा सा यूज करूँ या ना करूँ, मैं यूज नहीं कर रही हूँ ये वाला, मैं क्योंकि मैं नहीं करती हूँ गाइज मैं ये यूज नहीं, तो मैं ये स्पूली से जस्ट थोड़ा सा अपनी ब्राउज को। और अगर आप यूज करना चाहते हैं तो बहुत इजी है, आप नॉर्मल इसको लेके थोड़ा अगर आप स्टार्ट में करना चाहते हैं या आपके यहाँ पे हेयर्स थोड़े से कम है या किसी के यहाँ पे कट होता है, अगर वैसा है तो आप इसको बस पेंसिल को ओपन करके वहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करोगे जो जिस डायरेक्शन में आपकी ब्राउज जा रही है उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा अप्लाई करोगे और स्पूली लेके उसको ऐसे नॉर्मली ब्लेंड करोगे ना तो वो आपकी ब्लेंड हो जाएगी तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप वो कर सकते हो, तो मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ ऐसे ही करके। सो आप कर सकते हो, और भी आती है आप अपने शेड में ले सकते हो। सो हो गया हमारा मेकअप डन। अब मैं लास्ट हमारा सेटिंग स्प्रे स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे मैं यूज करूंगी ये वाला। सो इसमें एलोवेरा और विटामिन ई भी है तो काफी अच्छी है। कोई भी सेटिंग स्प्रे हम यूज करेंगे उसको हम पहले शेक कर लेंगे, उसके बाद हम उसको थोड़ा सा दूर रख के स्प्रे कर लेंगे। ऐसा हम स्प्रे कर लेंगे, अब इसे थोड़ा सूखने देंगे और हमारा मेकअप हो गया है कंप्लीट। आप देख सकते हैं मेरा मेकअप
वो मैं ना स्क्रीन पे देख रही थी, मैं कैमरा में देखने भूल गई थी, तो मैं इधर देखिए आप देख सकते हैं मेरा मेकअप, और मैं इसके बाद थोड़े से पिक्चर्स भी डाल दूंगी आपको दिखाने के लिए। सो ये हो गया हमारा मेकअप कंप्लीट। सो वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज, और भी मैं मेकअप वीडियोज लाऊंगी। ये बहुत बेसिक मेकअप था जो बिगनर्स के लिए था, इसलिए मैंने बहुत प्रोडक्ट्स भी लेस लिए हैं और सब कुछ कम यूज किया, बट फिर भी काफी अच्छा मेकअप हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।